नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नव संवत्सर आनंद का नगर ने किया अभिनंदन। कोरोना की बढ़ती स्थिति के मद्देनजर क्राइसिस कमेटी मीटिंग में निर्णय, सुबह 10 बजे बाद रहेगा टोटल लॉकडाउन। चक्र तीर्थ पर लगी शवों की कतारें, अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। उज्जैन के जिला प्रभारी मंत्री बनाए गए डॉक्टर मोहन यादव, किया अस्पतालों का दौरा। लॉकडाउन के चलते आगे बढ़े मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव। नव संवत्सर का अभिनंदन पुरोहितों द्वारा शंखनाद कर किया गया, घट पूजन व ध्वज पूजन भी संपन्न हुआ। नगर के बड़ा गणेश मंदिर पर ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास की उपस्थिति में नव संवत्सर 2078 का अभिनंदन शंखनाद द्वारा किया गया। पुरोहितों के दल ने घट स्थापना कर ध्वज पूजन भी संपन्न किया। नववर्ष का ज्योतिष महत्व बताते हुए वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास जी ने बताया, देखिए इस बार नया वर्ष जो है मंगलवार को शुरू हो रहा है और इस वर्ष का नाम भी आनंद नाम का वर्ष है और वर्ष के राष्ट्रपति मंगल है और प्रधानमंत्री भी मंगल है, तो आनंद और मंगल ही मंगल का संबंध है। किंतु अभी ग्रहयोग ऐसे नहीं है कि जिससे इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आए। कारण ये कि अभी जो ग्रह चल रहे हैं उनका प्रभाव भी लगातार देश में क्या सारे विश्व में व्याप्त है। हमारे नए वर्ष का तो महत्व ये है कि कल का दिन विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन यदि है तो पर्व के मान से सबसे बड़ा दिन है। क्यों? एक तो वर्ष का पहला दिन है और वर्ष का पहला ही दिन नहीं, क्योंकि इस रोज सृष्टि की रचना भी हुई थी, तो सृष्टि की रचना को तो अरबों वर्ष हो गए। तो अगर सृष्टि की रचना ही नहीं होती तो हमारे नए वर्ष और उत्सव का कहाँ संबंध था। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो पहला दिन है, नए वर्ष का पहला दिन, वो सारे वर्ष के पर्व त्यौहार से सर्वोपरि पर्व है, क्योंकि इस पर्व से बाकी सारे पर्व जुड़े हुए हैं। और कालगणना की नगरी उज्जैनी है और महाकाल कालगणना का देवता है, इसलिए हमारे नए वर्ष के उत्सव का महत्व भी उज्जैन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कालगणना यहीं से हुआ तो अरबों वर्ष उज्जैन की स्थिति को हो गया है। तो उज्जैन कालगणना के देवता है, कालगणना की नगरी उज्जैनी है, अवंतिका की अधिष्ठात्री देवी शक्तिपीठ अवंतिका है, शक्तिपीठ हरसिद्धि है, ये सब के और गणपति के सानिध्य में ये नया वर्ष का उत्सव सबके लिए शुभ फल देने वाला हो, अशुभ से रक्षा हो। गणपति से भी प्रार्थना है, भगवान महाकाल से भी प्रार्थना है, हरसिद्धि देवी अवंतिका देवी से प्रार्थना है कि अनेक प्रकार के रोग जो फैल रहे हैं, संकट बढ़ रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसे समय सबकी रक्षा करें, यही हमारे नए वर्ष के लिए मंगल कामना है। शिप्रातीरे पुरोहितों ने सूर्य को अर्घ देकर नव वर्ष का अभिनंदन किया। मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों द्वारा प्रातःकालीन बेला में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर नूतन वर्ष का अभिनंदन किया गया। इस बाबत पंडित अजय व्यास ने कहा, सूर्य संवेदना दीप्ति कारुण्य गंधने लब्धा नूतन नववर्षे अस्मिन् सर्वस्य मंगलम। नूतन नववर्ष की आप सभी को मंगलमय शुभकामना। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन राष्ट्रीय त्यौहार के रूप से मनाया जाता है। यह परंपरा आदि अनादि के रूप में शास्त्रों के अनुसार मनाई गई है और यह शास्त्र अनुसार ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी अगर देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र प्रकृति अनुसार ऋतु काल अनुसार मनाए जाने वाला एक त्यौहार के रूप में मनाया जाने वाला नववर्ष है, जो मानव देह शरीर को आरोग्यता तो प्रदान करता ही है, सुख समृद्धि और हमेशा खुशियां बनी रहे उस रूप में बनाए जाने वाला त्यौहार। बिना भक्तों के ही माँ हरसिद्धि मंदिर में शुरू हुई चैत्र नवरात्रि, पंडित पुजारियों ने किया धार्मिक अनुष्ठान।
देश के 52 शक्तिपीठों में प्रमुख मां हरसिद्धि मंदिर में कोरोना प्रतिबंध के चलते भक्तों का प्रवेश निषेध था। द्वार पर ताला लगा दिया गया। संवत्सर प्रमाद की विदाई और नव संवत्सर आनंद के आगमन और नवरात्रि आरंभ होने के उपलक्ष्य में नवीन ध्वज मंदिर शिखर पर स्थापित किया गया। नवरात्रि के प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में माँ की आराधना कर आरती सम्पन्न की गई। मंदिर पुजारी ने चैत्र नवरात्रि का महत्व प्रतिपादित करते हुए बताया, आज जो है हिंदू नववर्ष अपना चैत्र प्रतिपदा का प्रथम दिवस है। नवरात्रि महापर्व का आज प्रथम दिवस है और आज से नवरात्रि और नववर्ष दोनों का आगमन हो रहा है। तो प्रमाद नाम जो संवत्सर उसका समापन हुआ है, आनंद नाम संवत्सर विक्रम संवत 2078 आज से आरम्भ होने जा रहा है और भगवती से यही कामना है कि यह आनंद नाम जो संवत है तो इसके द्वारा जो ये कोरोना नामक महामारी फैली हुई है तो मंगल हो पूरे संसार में और इस महामारी का जो है नाश हो, ऐसी भगवती से आज प्रथम दिवस माँ से कामना करते हैं। चैत्र प्रतिपदा पर महाकालेश्वर मंदिर में भी नूतन वर्ष का अभिनंदन नवीन ध्वज के साथ किया गया। नव वर्ष संवत्सर आनंद का भी नंदन बाबा महाकाल के शिखर पर नवीन ध्वज अर्पित कर किया गया। कोरोना शांति के लिए जारी एकादश अतिरुद्र महायज्ञ का आज पंचम दिवस था। मंदिर पुजारी दिनेश त्रिवेदी ने जानकारी में बताया, अवंतिकाया महिषावतारम मुक्ति प्रदानाय भक्तजनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महामहोत्सव। भगवान महाकालेश्वर का सबको आशीर्वाद, सभी को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। वर्तमान में भगवान जो परिस्थिति चल रही है, कोरोना की परिस्थिति चल रही है, उसी के अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में एकादशी महारुद्राभिषेक चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज भगवान महाकालेश्वर को विनती कर रहे हैं कि भगवान सबका कल्याण करे, जो भी आदि व्याधि उसका दूर करे, सबका कष्ट दूर करे। आज नववर्ष हुआ है, इसी के तारतम्य में आज जो ध्वज भगवान महाकालेश्वर का है वो भी नया चढ़ाया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नया ध्वज चढ़ाया है भगवान महाकालेश्वर के यहाँ। आज जो विनती करिए वो सबको आशीर्वाद के लिए करिए, सबको स्वास्थ्य की रक्षा के लिए करिए। गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्रीयन परिवार ने लोगों को जागरूक करने के लिए गुड़ी को पहनाया मास्क और किया पूजन। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्रीयन परिवारों का विशेष दिवस है। वे इसे नववर्ष का आरंभ मानते हुए गुड़ी बनाते हैं तथा पूजन कर श्रीखंड पूरण पोली का प्रारंभिक नैवेद्य लगाते हैं। एक परिवार के सदस्यों ने तो गुड़ी को मास्क पहनाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। परिवार की बालिका मुस्कान ने बताया, गुड़ी पड़वा का पर्व चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। आज गुड़ी की पूजा होती है। गुड़ी की पूजा करके उन्हें नैवेद्य लगाया जाता है। नैवेद्य में श्रीखंड पूरी पूरण पूरी आदि का नैवेद्य लगाया जाता है। यह महाराष्ट्र में मुख्यतः नववर्ष के उत्साह के लिए मनाया जाता है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हमने आज गुड़ी को मास्क पहनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सभी अपने मास्क पहने तथा कम से कम घरों से बाहर निकले और नियमित रूप से हाथ धोएं। एक अन्य महाराष्ट्रीयन परिवार की महिलाओं ने चैत्र प्रतिपदा पर अपने कुल देवी देवताओं की आराधना के साथ गुड़ी पूजन किया। परिवार की महिला रंजना ने विशेष दिन का महत्व बताते हुए कहा, इस गुड़ी पड़वा की विशेषता यही है कि आज से हमारे चैत्र नवरात्र गुड़ी पड़वा से नव वर्ष की शुरुआत होती है और हमारे कुल देवता की और कुल देवी की पूजा की जाती है। सुबह उठ के गुड़ी टांगी जाती है और उनकी पूजा की जाती है और पताशे की माला वगैरह पहनाई जाती है। और वो पताशे की माला मैंने परिवार में इसलिए पहनाई जाती है कि परिवार में हमेशा सबमें मिठास बनी रहे। और नीम की चटनी इसलिए बनाई जाती है कि बीमार दुखी हो या कुछ हो उससे उनको आराम मिले। और कुल देवता मल्हार जी की पूजा होती है, तुलजा भवानी की पूजा होती है और हमारे यहाँ पूरन पोली श्रीखंड वगैरह और अन्य भोग भी लगते हैं और उनकी नैवेद्य लगा के उनकी पूजा की जाती है। शहर के बिगड़ते हुए हालातों के मद्देनजर क्राइसिस कमेटी की आकस्मिक बैठक हुई आहूत, लिए गए नए निर्णय। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने सब्जी मंडी के लिए फेरी लगाने वाले व किराना बाजार को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी थी। छूट के पहले ही दिन सोमवार सुबह से ही फ्रीगंज थोक सब्जी मंडी में पैर रखने की जगह तक नहीं थी। दौलतगंज थोक किराना बाजार के खुलते ही वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भारी लापरवाही देखने को मिली। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन तक नहीं किया।
कई लोगों ने न तो मास्क लगाए थे और न ही शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर रहे थे। इस पर क्राइसिस कमेटी की बैठक में अब किराना, दूध व सब्जी और पेट्रोल डीजल के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया है। सुबह 10 बजे बाद टोटल लॉकडाउन रहेगा। प्रशासन ने 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है। आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, किराना सामान व सब्जी को लेकर छूट दी गई। दूध कारोबारी सुबह 6 से 10 तथा शाम 6 से 8 तक दुकानें खोल सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर जब हमने क्राइसिस कमेटी की मीटिंग में शामिल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया और कलेक्टर आशीष सिंह से बात की तो उनके जवाब कुछ यूं थे। ये जो हमारा अपना राज्य से जो लॉकडाउन का जो निर्णय था, उस निर्णय में कई सारी चीज़ों की कमी ध्यान में आई। तो इस तरह से अभी लॉकडाउन अगर करना तो हमको सख्ती के साथ कोरोना की चेन भी तोड़ना पड़ेगी, और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए निर्णय लिया गया कल से सवेरे 6 से 10 बजे तक किराना, दूध, फल, सब्जी भी सब्जी मार्केट में नहीं होते हुए ये जो ठेले वगैरह की सब्जी उससे दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद 10 बजे बाद टोटल ये जनता कर्फ्यू जैसा जो कोरोना कर्फ्यू की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की उस तरह से लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। इससे खास करके जो ये कठिनाई हमको आ रही है कि पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, आज करीब करीब उज्जैन दिन भर हमारा एक तरह से चालू जैसा रहा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद हम जब ये निर्णय करेंगे इसके आधार पर कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा है वो रोकने में मदद मिलेगी। बैठक में मजदूरों को लेके ये विषय आया था और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो फैक्ट्री के मजदूर हैं और जो भवन संबंधित मजदूर हैं वो काम पे जाएंगे और शाम को जो काम से लौटेंगे तो उनको आने की इजाज़त दी गई है, उनको नहीं रोका टोका जाएगा, ताकि हमारे मजदूर वर्ग जो गरीब तबका है वो अपना कमा खा पाए, उनका काम बंद नहीं करा। देखिए, ज़िला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता है और इसके साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो उपलब्धता है उनके संबंध में चर्चा करी गई। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बहुत जल्दी हम लोग ऑक्सीजन बेड्स और इनकी सबकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए पहले से प्रयासरत हैं। हम लोग और प्रयासों को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है आगामी सोमवार तक के लिए, जैसा कि आज देखने में आया है कि कोरोना कर्फ्यू में जो कुछ छूटें दी गई थी उसका मिसयूज़ एक तरीके से बहुत सारे लोगों ने किया है और सड़क पर बहुत भीड़भाड़ पूरे दिन भर देखने को मिली, तो उसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब जो आगामी सोमवार है तब तक के लिए जो कोरोना कर्फ्यू रहेगा उसमें मात्र सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की छूट जो है वो प्रदान करी जाएगी। और इसमें जो प्रमुख गतिविधियां, बहुत आवश्यक गतिविधियां हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे किराना हो या फिर दूध हो, केवल इन्हीं के लिए अनुमति रहेगी। कोरोना काल का सत्य है अस्पताल और शमशान घाट। कई दिनों से अनवरत धधक रही हैं चिताएं। जो चले गए वह मुक्त हुए, पर जो बचे हैं वो सोच रहे हैं जिए तो कैसे। बात तो दरअसल प्रसूति गृह से शुरू होनी थी, मगर जो वाया अस्पताल चक्र तीर्थ पहुँच रहे हैं वे इस बात के सबूत हैं कि ये पैदा तो हुए ही हैं, और जब हुए हैं तो प्रसूति गृह में ही हुए होंगे। फिलहाल तो यमदूत ओवरटाइम पर है, उनके भैंसे को चंदीचारे की भी फुर्सत नहीं है। चित्रगुप्त आने वाले के बही खाते देख देख कर परेशान हैं। यमराज तारीख पर तारीख लगाए जा रहे हैं। मृत आत्माओं को मरणोपरांत भी कतार से मुक्ति नहीं मिली। अस्पताल में भी कतार में लगे थे, मरने के बाद अंतिम संस्कार में भी कतार में लगना पड़ा। जो छोड़ने आए उनके पास भी टाइम पास करने की समस्या थी, लिहाजा जिसको जहां जगह मिली वहीं गप्याने बैठ गया। विषयों की भी तो कमी नहीं, भारत तो विषय भूमि है। चक्रतीत के कर्मचारियों ने भी अब एक्यूरेट आंकड़े रखना बंद कर दिए। बहरहाल धधकती हुई चिताएं कह रही हैं, लो खत्म हुई सारी चिंताएं, सत्य है धधकती हुई चिताएं। कल कितने थे मरने वालों का? भी इस टाइप की स्थिति थी एकदम की, अभी कुछ दिनों में इस टाइप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी स्थिति एकदम कुछ ज्यादा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इंदौर से भी आते हैं, है ना, अपने देवास के हैं, जिनकी हम मोक्ष करना चाहते हैं, बहुत से इच्छा रहती है ना कि आपको उज्जैन में कर दे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा डॉक्टर मोहन यादव को उज्जैन का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया। उज्जैन जिले का प्रभारी मंत्री बनने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीपीई किट पहनकर आज सुबह माधव नगर और चरक अस्पताल स्थित बनाए गए कोविड सेंटर का दौरा किया और मरीजों के हालचाल जाने। डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि संगठन ने उन्हें बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी दी थी, चुनाव से निपटते ही वे उज्जैन पहुंचे हैं। उज्जैन पहुंचते ही सुबह चरक अस्पताल और माधव नगर में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के हालचाल जाने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्देश में उन्होंने कहा कि मरीजों को उपचार के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। चरक अस्पताल में 110 मरीज और माधव नगर में कुल 134 मरीज भर्ती हैं। संबंधित मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की गई। डॉक्टर यादव ने चरक अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि लॉकडाउन जनता की भलाई के लिए ही लगाया गया है, जनता लॉकडाउन का पालन करे। लोगों के जीवन को बचाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। संबंधित अधिकारियों को भी मंत्री डॉक्टर यादव ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव के साथ कलेक्टर आशीष सिंह, कोविड प्रभारी डॉक्टर एचवी सोनानिया भी मौजूद थे। देखिए, मैं बंगाल चुनाव में लगा था और उसके तुरंत बाद जैसे आज से लॉकडाउन हुआ, मुझे इस बात की गंभीरता का एहसास भी है कि हमारे यहाँ उज्जैन में अचानक 2-3 दिन से जो मरीजों की क्रम बढ़ा है, बीमारी बढ़ी है। ऐसे में हमारे लिए 2 तरह से काम करने की आवश्यकता है कि जो संसाधन हमारे पास है, जो चिकित्सा व्यवस्था है, वो चाक चौबंद रहे, वो सभी प्रकार के संसाधनों के साथ तुरंत इलाज करे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे शासकीय स्तर पर माधव नगर और चरक हॉस्पिटल में शासन ने जो व्यवस्था की है उसका लाभ यहाँ के स्थानीय मरीजों ने व्यक्तिगत चर्चा में भी बताया और मैंने भी संतुष्टि ली इस बात में। ध्यान में आया कि यहाँ जो शिविर में व्यवस्था हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे इशू है जिन इशू को और अभी बैठ करके हल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी बात की कमी नहीं आने देंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि शासन ने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं उसका लाभ मिलेगा। कोरोना कर्फ्यू को लोगों द्वारा गंभीरता से ना लेने के मद्देनजर जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक निकले शहर के दौरे पर। वर्तमान में कोविड 19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए तथा संक्रमण को रोकने के लिए शहर में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका आज उज्जैन कलेक्टर और SP द्वारा दौरा किया गया, जिसमें कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना संक्रमण की दर जिस तरह बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है उसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया और खास तौर से 10 बजे के बाद टोटल लॉकडाउन रखा गया। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में जो अत्यावश्यक किराना और सब्जियों के ठेलों के द्वारा बिक्री की जा सकती है उसी की हमारे द्वारा पूरे शहर में निगरानी की जा रही है। साथ ही उन्होंने पूरे शहरवासियों से अपील की है कि लोग अपने घर पर ही रहें और कोरोना के गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, क्योंकि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत अधिक हो गई है। साथ ही जिनको कोरोना हो रहा है उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। कृपया आप सभी अपने अपने घरों में रहें जिससे आपके घर के सभी लोग सुरक्षित रहें। हम लोग कर्फ्यू में पूरी सख्ती दिखाएंगे। आज से अगले सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता पाया गया तो न केवल 188 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि ओपन जेल और स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाएगी। आज पूरे शहर का दौरा हमारे और SP साहब के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की दर बहुत अधिक बढ़ी है विगत दिनों में और उसी को देखते हुए जो कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया और ख़ासतौर पर 10 बजे के बाद पूरी तरीके से टोटल लॉकडाउन है। 6 से 10 के बीच में जो कुछ बहुत अत्यावश्यक किराना की और सब्जी के ठेलों के द्वारा बिक्री हो सकती है तो उसी को मॉनिटर किया जा रहा है। पूरे शहर भर का हम लोग दौरा कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, कृपया नियमों का पालन करें, सभी लोग घर पर ही रहें। कोरोना की संक्रमण की दर बहुत अधिक हो गई है और जिनको कोरोना हो रहा है उनकी स्थिति भी गंभीर हो रही है। हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन के बेड्स के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन कृपया आप लोग घर के अंदर ही रहें जिससे कि आप लोग और आपके घर के सभी लोग सुरक्षित रहें। हम लोग बहुत पूरी तरीके से संपूर्ण शक्ति दिखाएंगे आज से जब तक कि अगले सोमवार तक हमारा कोरोना कर्फ्यू है। अगर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता पाया गया तो न केवल 188 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी बल्कि ओपन जेल और स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी उसके विरुद्ध में करी जाएगी। उज्जैन SP ने भी जानकारी देते हुए बताया कि हम पूरे शहर में कोरोना कर्फ्यू के पालन करवाने के लिए दौरे कर रहे हैं। यदि सभी शहरवासी हमारी मदद करते हैं तो जल्द ही हम इस पर विजय पा सकेंगे। कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो कोविड की जो परिस्थितियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए और संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक है
कि हम सभी लोग जो गाइडलाइन है शासन की गाइडलाइन और खासकर ये जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसका पालन सुनिश्चित करें। और इसी उद्देश्य से सवेरे जो 6 से 10 तक का जो मूवमेंट था उसमें हम लोगों ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो ज़रूरी सुख सुविधाएँ हैं जिसको आमजनों के लिए उसका पालन हो, और दूसरा 10 बजे के बाद से सवेरे 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू की लगाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ मेडिकल जो इमरजेंसी है या अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही लोग बाहर निकले, उसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी भी एक लगातार मूवमेंट चल रहा है। मैं और कलेक्टर साहब ने पूरा जायजा लिया है, अभी तक परिस्थितियाँ सामान्य हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का सहयोग जनता करेगी और इस मुसीबत से और ये जो महामारी है इससे हम विजय पाएंगे, इसके ऊपर निजात पाएंगे, इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है। कोरोना लॉकडाउन के चलते 15 अप्रैल को होने वाले मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण और पूर्ण लॉकडाउन लागू किए जाने के मद्देनजर 15 अप्रैल को संपन्न होने वाले मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव आगामी आदेश तक निरस्त कर दिए गए हैं। जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी ने बताया, जैसा कि आप सबको विदित है हमारे अभिभाषकों की निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 15/4/2021 को मतदान अभिभाषकों के होना थे। चूँकि कोरोना महामारी के चलते राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन 19 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, इस कारण से हमारी निर्वाचन कमेटी द्वारा भी मतदान की तिथि आगामी आदेश तक, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्देश दिया जाएगा, लॉकडाउन के खुलते ही आगामी मतदान की तारीख नियत की जाएगी। नव संवत्सर जैसे मौके पर भी पशु क्रूरता का नज़ारा उज्जैन में देखने को मिला, जब भारी तादाद में गायों की खालें मिली। शांति पैलेस होटल के पीछे बने ब्रिज के नीचे शिप्रा नदी से बोरे में बंद कुछ खालें बरामद की गई है, जो प्रथम दृष्टया गायों की होना सामने आ रही हैं। मौके पर कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता ही पहुंचे थे। खालों की जांच के लिए पशु चिकित्सकों को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल खाल जब्त कर मामले में अज्ञात के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। वहीं जानकारी जुटाई जा रही है कि बोरे में बंद खाल किन लोगों ने यहाँ लाकर फेंकी। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने इस विषय में बताया कि थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत शांति पैलेस से एक बाईपास है जो बड़नगर नागदा की ओर जाता है, इसमें एक पुल है बीच में, उस पुल के पास कुछ जानवरों की खाल स्किन्स मिली है। प्रथम दृष्टया जब उसको जब सूचना मिली तो उसका जब इंस्पेक्शन किया गया, निरीक्षण किया गया, तो ऐसा लगता है किसी ने फेंका है उन खाल को। पूरे जो स्किन है जानवर की जो खाल हैं उनको सीज किया गया है, जब्त किया गया है, नगर निगम की टीम बुलाई गई है और प्रथम दृष्टया इसमें जो प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई भी पुलिस कर रही है, एफआईआर कर रही है, और बाहर के सीसीटीवी से भी पता लगाएं कि आखिर ये फेंकी गई हैं, घटना है, दुर्घटना है, इन पूरे तथ्यों का परीक्षण करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो कितनी गायों की खालें मिली हैं? अभी संख्या नहीं कह सकते, लेकिन कुछ खालें हैं स्किन्स हैं जो अब किस जानवर की हैं ये भी अभी एक पुष्टि के बाद कह पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये स्किन है और कोई जानवर एनिमल्स की हैं और उनको सबको सीज किया गया। आइए एक नज़र डालते हैं वैशाली से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नव संवत्सर आनंद का नगर ने किया अभिनंदन। कोरोना की बढ़ती स्थिति के मद्देनजर क्राइसिस कमेटी मीटिंग में निर्णय, सुबह 10 बजे बाद रहेगा टोटल लॉकडाउन। चक्र तीर्थ पर लगी शवों की कतारें, अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। उज्जैन के जिला प्रभारी मंत्री बनाए गए डॉक्टर मोहन यादव, किया अस्पतालों का दौरा। लॉकडाउन के चलते आगे बढ़े मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।